गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पावनी। तो आज है ये आर्ट का मतलब आर्ट की वीडियो है ये एक, तो फिर आर्ट की ये वीडियो है ये, तो फिर चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और मैं बनाने वाली हूँ एक स्वान। मुझे नहीं पता ये कैसा बनने वाला है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी अच्छा बनाने का। ये स्वान मैंने इंटरनेट से सीखा था, मुझे पता नहीं ये कैसे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इसको बनाने की आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मैंने इतने दिनों से अपना व्लॉग नहीं डाला, मतलब मेरा लास्ट व्लॉग तो बहुत दिनों बाद पड़ा होगा, तो आई एम सॉरी गाइज। तो मुझे टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी, और एक तो मन भी नहीं करता था मेरा बनाने का। हाँ, और मैं पढ़ाई करती थी, मैं भी एक पढ़ने वाली बालक हूँ। तो चलिए अपने वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मुझे जैसा आता है स्वान में वैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको एंटरटेन करने की। ये हमारी इसके स्वान की उंडी तो बन गई है, लेकिन मतलब ये स्वान की वो तो बन, सॉरी गाइस अगर ये कट रहा हो तो मुझे प्लीज, आई एम रियली रियली सॉरी। अब ठीक है, नहीं थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, हाँ अब ठीक है। तो फिर हमने तो ये वैसे बना दिया था, और अब बना रही हूँ मैं इस स्वान की चोंच, आईज। मैं इसके अंदर शेडिंग भी करने वाली हूँ। ये तो चुप रहे, ऐसा यार ये तो मेरी बहन थी, ये ऐसी ही है मेरी बहन, एकदम बलबोड़ी। और ये जो आपको ये आवाज आ रही है चिल्लाने की, ये मेरा छोटा सा भाई है। और ये हम ये सोन को कर रहे हैं थोड़ा सा डेकोरेट। आखिरी पत्ती है, और तो आज के वीडियो का हम एम लाइक एम रखते हैं, सिर्फ आप अगर 100 ही करवा दोगे तो ही काफी है। अभी पहले छोटा गोल रखते हैं, बाद में वैसे बड़े बड़े गोल रखेंगे। प्लीज इस ये वाली वीडियो को, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं इन सब की रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप वीडियो कब बनाओगे, न्यू वीडियो कब बनाओगे आप। तो फिर मैंने सोचा कि आप सबकी रिक्वेस्ट के लिए बनाया जाए एक वीडियो। ये मैंने बना दी है थोड़ी सी लीव्स ऐसे डेकोरेट करने के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए, आपके लिए सपोर्ट। ये हमारा स्वान बन रहा है, मैं इसको शेड भी देने वाली हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे वैसे ज्यादा आता नहीं है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। गंदे है या अच्छी वो आपके ऊपर डिपेंड है, बताइएगा कैसी है मेरी ड्राइंग, गंदी हो या अच्छी, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो बनाने से है ना, हमें तो बनाना है। हम ये थोड़े से छोटे छोटे बॉल्स यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो अब चुप रहे। तो अब हम एक लीफ यहाँ पर भी लगा देंगे,
अब हमें ना एक ही लीफ यहाँ पर भी लगा देते हैं, और किस किस को ड्राइंग बनानी अच्छी आती है जरा मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम ये थोड़ी सी वैसे शाइनी देंगे इसको, ये सब ये बना बना के छोटे छोटे, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। और अब हम बारी है शेडिंग की, बारी है हमारी शेडिंग की। तो अब मैं पहले ये ड्रॉ, नाम याद आ गया, उनको ड्रॉप्स कहते हैं, पहले मैं ना इन ड्रॉप्स में थोड़ी सा शेड करने वाली हूँ। सब लोग हैं अभी यहाँ पर, वैसे ये कैसा बना है आपके ऊपर डिपेंड है, जरा बताइएगा। और अब हम मैं करने वाली हूँ इसको डार्क, लेट्स स्टार्ट। को तुम प्लीज बोलना बंद करोगे? नहीं मैं मम्मी हूँ। मम्मी प्लीज बोलना बंद करोगे? अगर ये मम्मी बोल रही है, सॉरी ये मेरी बहन है, आप इसका बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, अनसब्सक्राइब करके ना चले जाना। मैं समझ गई, प्लीज अनसब्सक्राइब करके ना चले जाना। मेरे दिमाग में जो भी ड्राइंग थी वो मैंने बना दी, मैंने आप देख सकते हैं मेरे आसपास में कोई कैमरा वैमरा तो सॉरी वो कोई फ़ोन तो खुला नहीं है कि मैं देख के बना रही हूँ। अगर आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी है तो फिर आप है ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी मैं बोल चुकी हूँ, आई एम सॉरी। ये हमारे चैनल की फर्स्ट आर्ट है और मेरी आर्ट ऐसी ही है। मैं सोच रही हूँ कि अब से आप लोग के लिए आर्ट वाली ड्राइंग्स ही बनाया करूँ। तो अब लेट्स स्टार्ट शेयरिंग। साइड में थोड़ी सी पेंसिल शेड कर दे, तो अब हम है ना इसको थोड़ा सा वैसे साइड में से शेड करेंगे, फिर बाद में इसको अपने थंब से ऐसे ऐसे होता नहीं है वो कर दे। साइड में करना है। अगर ये ड्राइंग आपको अच्छी लग रही हो तो बताइएगा कमेंट्स में, अगर अच्छी लग रही हो तो यस, अगर नहीं अच्छी लग रही हो तो नो। तो अब हम ये ना हम ये सब ये जो हमने ये बनाया ना, हम इनके साइड में हल्की शेडिंग कर देंगे। हम है ना हल्की शेडिंग कर देंगे इसके पास में। ओके ये हमारा हो गया है कंप्लीट। और अब हमें करना इसे थम से थोड़ा सा स्प्रेड, ये तो थम से हो नहीं रहा है स्प्रेड, हमें वो कॉटन बर्ड चाहिए होगी। सॉरी ईयरबर्ड या कॉटन बर्ड जो भी है, आप दोनों कह सकते हो ईयरबर्ड या कॉटन बर्ड कुछ भी। तो हमने इसके साइड का तो ये शेड कर दिया है, और अब हमें ना इन लिए इसके लीव्स को ये जो नीचे है ना इनको थोड़ा सा शेड कर देंगे ताकि इनका भी लुक थोड़ा अच्छा आ जाए। तो फिर एक काम ही करते हैं, नहीं वो आइडिया अच्छा नहीं है। तो हम लोग इनके साइड में शेड कर देंगे, और हम शेड कर देंगे इसके साइड में हमें बहुत ही तेरी डरा दिया, हमें बहुत ही केयरफुली इसको शेडिंग करनी होगी। अभी मैं तुझे बताती हूँ। अरे पापा ये लगता है ड्राइंग वीडियो के
साथ साथ कॉमेडी वीडियो भी होने वाली है। हम है ना, बस है ना, ये जो साइड साइड का ये पार्ट है ना, हम इनको छोड़ के बाकी ये पूरे इसमें लाइंस के है ना, जो हमने ये लाइंस ड्राइंग की है, हम पूरे इसके साइड में हल्की 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 शेडिंग कर देंगे, ताकि हमें एयरबर्ड से इसको ऐसे स्प्रेड करने में आसानी हो जाए। अभी एयरबर्ड आ जाएगी, पहले शेडिंग बाद में एयरबर्ड। अगर आप ये ऐसी ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप ये मेरी वीडियो को देख के बना सकते हैं, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्राइंग में से एक है। और ये आ गया हमारे एयरबर्ड्स, इनको हम रखेंगे पहले साइड में, और फिर हम करेंगे इन पत्तों के, पहले काम करते हैं, पहले है ना पत्तों के साइड साइड में शेडिंग कर लेते हैं बाद में। आज मैं बहुत दिनों बाद इतना अच्छा, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाली, अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो एक न्यू वीडियो आ चुकी है। हम है ना, हमें कॉटन बर्ड का जो ये कॉटन का साइड होता है ना, ये कॉटन के साइड को इसके साइड में ऐसे ऐसे रफ करना होगा। हम इसके ये ऐसे साइड में रफ करेंगे, और रफ 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 रफ, सॉरी मेरी ये बकवास के लिए। थोड़ा उंगली से भी कोक करने की कोशिश कर देते हैं, मैं अच्छे से कोशिश करूंगी, बहुत अच्छे से हो जाए। देखिए हल्का हल्का इसके साइड में दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये मेरा एक चैनल है, प्लीज इसको ग्रो करवाने में हेल्प करिएगा, और हमारे सब्सक्राइबर्स ज्यादा नहीं है। और है ना, एक और चैनल है हमारे घर का, उसका उस चैनल का नाम है GFX सिल्क, वो मेरे पापा का चैनल है, प्लीज आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये भी हमारे पापा का ही चैनल है, तो हमारे पापा के लिए हमको तो हमारे पापा के चैनल को भी हम ग्रो करेंगे। और आप बताइएगा कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारी ड्राइंग बस कंप्लीट ही होने वाली है, बस हम ये इसको थोड़ा थोड़ा शेड कर रहे हैं, शेडिंग, हम इसकी ये थोड़ी थोड़ी ये शेडिंग कर रहे हैं, ताकि ये अच्छे से शेड हो जाए। इसकी मैं आईज थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ, ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो चलिए, हमने इस पूरे स्वान को तो कर दिया है हमने शेड, और अब हमारी है इन साइड साइड के नीचे के पत्तों की, ये पता नहीं पत्ते हैं या कलियां हैं क्या है, हम इनको भी शेड कर देंगे, ताकि ये हमारी ये ड्राइंग्स और उभर कर निखर कर आए। मैं आपके लिए ऐसी एक और मजेदार ड्राइंग आइडिया के साथ आऊंगी मैं कल के दिन, क्योंकि कल में मुझे भी भाई बहुत काम होते हैं, मैं रात को ही फ्री हो पाती हूँ, पहले सुबह उठो, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर बाद में है ना मम्मी भी ट्यूशन पढ़ाती हैं, तो उनके बच्चों को भी संभालो, और अपने भाई बहन और भैया छोटे भैया को भी संभालो, बाबू को, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बस मैं अब जाके रात को फ्री हो पाती हूँ। तो चलिए, हमने बातों में तो ये पूरी शेडिंग कंप्लीट कर दी है, तो अब हम अपनी ड्राइंग का नाम दे देते हैं। मेरी राइटिंग बताइएगा,
चुकी है कंप्लीट। तो अब बारी है इस ड्राइंग की एडिट। तो हमारी ये ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट। तो फिर आप देख सकते हैं ये हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी बनी है। हमारी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी, पता नहीं अच्छी बनी है या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। वो आप बताइए कैसी बनी है हमारी ड्राइंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल पावनी सागर MGFX सिल्क को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पावनी सागर ब्लॉग और GFX सिल्क को। मेरे पापा का चैनल है। मेरे पापा के चैनल को ग्रो करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा GFX सिल्क को। सब्सक्राइब। ये मेरी बहन थी। अच्छा ओके। तो आज के लिए बस इतना ही।